डन। मैं तो अपने लिए भी स्क्रिप्ट नहीं ला सकता, डायरेक्टर को लानी पड़ेगी। आई थिंक लास्ट टाइम जो हमारी एक स्क्रिप्ट आशुतोष, बहुत साल पहले हमने डिस्कस की, सबके हम दोनों हम तीनों दोस्त आशुतोष भी आमिर में, तो बहुत पहले हमने एक स्क्रिप्ट सोची थी साथ में करने की, वो किसी वजह से हुई नहीं, उसकी जगह स्वदेश हो गई, फिर वक्त नहीं मिला। लेकिन कोई डायरेक्टर हो जिनके पास ऐसा रोल हो जिसमें हम दोनों काम कर सकें तो बहुत अच्छा हो। हम खुद बनाए वो नहीं होगा, आई थिंक टू सिट डाउन एंड थिंक ऑफ अ स्टोरी फॉर टू एक्टर्स हो, बट इफ देयर इज अ डायरेक्टर हु हैज अ टू हीरो फिल्म, क्योंकि अच्छा रहेगा अगर हम एक फिल्म करें साथ में। इतने सालों से साथ में काम कर रहे हैं, दोस्ती है, जानते हैं, और लोग ऐसे ही कॉम्पिटिशन करते रहते हैं, तो इट विल बी नाइस कि अगर हम एक साथ में फिल्म करें तो बहुत मज़ा आएगा। हमने थिएटर बहुत किया है, स्टेज पे काम किया है वर्ल्ड टूर्स में, वैसे भी मिलकर बहुत डिस्कस करते हैं चीज़ें। इट विल बी नाइस इफ देयर इज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर हु कैन मेक अ फिल्म, राइट अ फिल्म फॉर बोथ ऑफ अस, एंड देन झेलो द स्ट्रेस ऑफ कि कौन बेहतर है, मीडिया कहेगा आमिर ने रोल कटा दिया, शाहरुख ने उसको एडिट कर दिया, और वो सब चलेगा। बट आई थिंक इट विल बी रियली नाइस टू वर्क टुगेदर इफ यू गिव एन अपॉर्चुनिटी। हां साहब, हां साहब, हां साहब, एक लड़की है जो नागपुर से आई हुई है स्पेशली आपके लिए आई हुई है, ये कुछ लेके आई हुई है। सर, दिस इज सुरभी, वेरी मेनी हैप्पी न्यूज़ ऑफ द डे। सर, मैंने कुछ आपके लिए बनाया है, बट एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये पसंद आता है तो इन रिटर्न आई जस्ट वांट अ स्मॉल या ये तो पसंद नहीं भी आएगा तो आपके लिए तो मेरे इंटरेस्ट में बात। हैप्पी बर्थडे सर, आई हैव मेड फॉर यू दिस। गुड लर्न इसका जन्मदिन का प्रेजेंट देखो, कहती वापस चाहिए साइन करते हैं। ये लो पेन, मार्कर मार्कर है किसी के पास यार, ये अच्छा है। हाँ, मार्कर से चले गए। हाँ, एस यू आर बी एच आई आर आर बी एच आई सुरभि, यस। थैंक यू सो मच, मेरा हाथ वापस करो, ये वापस करो। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और थैंक यू, वी ऑल अप्रिशिएट, वी ऑल लव योर हम्बलनेस। मेरा सवाल आपसे ये है कि कुछ साल पहले चेन्नई एक्सप्रेस आई, उसने एक नया रिकॉर्ड कायम किया कमर्शियली, फिर कोई और फिल्म आई किसी और एक्टर की, उसने एक नया रिकॉर्ड कायम किया, फिर हैप्पी न्यू ईयर आई, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़े। अगर हम आपकी बात करें, शाहरुख खान की बात करें, खान साहब की बात करें, पैसे के लिहाज से भी आप चांद पे पहुंच चुके हैं, तो क्या आप मंगल पे जाने की तैयारी है? तुम्हारा आइडिया है कि जल्दी से निकल जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ, अभी तक चांद पे पहुँचाया, मंगल पे पहुँचा के इसको भेज दो आगे। एक्चुअली सच बात है, मैं ह्यूमिलिटी से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इतना जो रिलीज अभी इतनी बढ़ गई है, आई थिंक हर फिल्म नया रिकॉर्ड, बड़ी फिल्म जो भी आएगी वो नया रिकॉर्ड तोड़ेगी फ्राइडे। मैंने चेन्नई के वक्त भी कहा कि, और ये मुझे थोड़ी समझ है बिजनेस की, क्यों कर रहा हूँ मैं 5-10 साल से, जो भी नई फिल्म आएगी, थिएटर बढ़ गए, आई थिंक मार्केटिंग बढ़ गई है, रीच बढ़ गई है, वेन्यूज बढ़ गए हैं, ऑडियंस का झुकाव जो है फ्राइडे सैटरडे संडे की तरफ ज़्यादा बढ़ गया है, ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम ये बोलते रहे कि नहीं यार, वो फ्राइडे सैटरडे संडे का बिजनेस नहीं होता, वो होता है, छुट्टी के दिन बेहतर होता है, और ये एक्सेप्टेड ट्रूथ है कि अगर ईद को फिल्म आएगी, दिवाली को फिल्म आएगी, क्रिसमस को आएगी, इन तीन हॉलीडेज में क्रिसमस सबसे बड़ी होगी, ईद उसके बाद है, फिर दिवाली है, फिर 15 अगस्त है, ऐसी छुट्टियां हैं, 26 जनवरी है, जिसमें फिल्म के बिजनेस को फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसका अगर श्रेय जो है मैं लेने लगूँ तो गलत है, मुझे लगता है सिस्टम ऐसा बन गया है। फिर मैंने देखा है टिकट की प्राइसिंग भी, ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है कि संडे को थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, सैटरडे को कम करते हैं, वीक डेज पे पैसा कम करते हैं, ये स्ट्रैटेजी है पूरी। पहले इतना नहीं होता था, पहला था चार हॉल में आती है पिक्चर, एक ही टिकट का प्राइस है, चली नहीं चली, लंबी हो गई होगी, अब बहुत स्ट्रैटेजाइज होता है। तो स्ट्रैटेजी हमेशा अब यही है कि वो वीकेंड्स और वीक को बड़ा बिजनेस करें, जितने लोगों को हम
अमास कर सकते हो, और आपका बहुत बड़ा हाथ है इसमें, आप समझ भी नहीं सकते उसको भी कि कितना फर्क पड़ता है मीडिया की वजह से कि वीक के अंदर सारे आईबॉल्स ले आओ, और फिल्म अच्छी है तो अगले हफ्ते फिर वो 50% 40% चलती है, फिर इंशाल्लाह थर्ड वीक तक उसका बिजनेस खत्म हो जाता है। सो इसका श्रेय मैं नहीं लूंगा। आई थिंक अगली फिल्म जो आएगी, अगर मैं चांद पे पहुंची ये वाली फिल्म, तो मंगल पे जाएगी, और उसके बाद वो खुद चाहे मेरी हो या किसी और की हो, और वो क्योंकि बिजनेस की वजह से उसका मैं श्रेय नहीं ले सकता। आई थिंक इट्स द वे डिस्ट्रीब्यूशन हैज बिकम एन एग्जीबिशन एंड थिएटर्स हैव बिकम गुड, दिस इज फुली रिस्पॉन्सिबल दैट ऑल द थिएटर्स आर बिकमिंग वेरी गुड टू वॉच फिल्म। आप फैमिली के साथ जा सकते, महंगा हो गया थोड़ा, लेकिन अच्छा लगता है फिल्म देखना बाहर जाकर।